हेलो एवरीवन, आई एम अमीना और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास सेवेंथ का इंग्लिश बुक से यूनिट टू बी द आइज हैव इट बाय रस्किन बॉन्ड। तो इस कहानी को शुरू करने के पहले हम लोग इस कहानी के ऑथर राइटर के बारे में जान लें, रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड इज़ एन इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट। रस्किन बॉन्ड एक भारतीय लेखक हैं जिनके एंसेस्टर्स पूर्वज ब्रिटिशर्स थे। जैसे इनका जन्म 1934 में हुआ, यानी हमारा भारत देश आज़ाद होने के पहले। हमारा देश आज़ाद कौन से साल में हुआ था? 1947 में। 1947 से पहले हमारे देश पर अंग्रेजों का कब्जा था, तो ये उस समय ही शायद इनके पेरेंट्स भारत में थे, तो इनका जन्म 1934 में हुआ। तो उसके बाद ये भारत में ही रह गए, ठीक है। और इनका जन्म हुआ था हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से शहर जिसका नाम है कसौली, 19 मई 1934 में। ही लिव्स इन लंदौर, अ हिल स्टेशन इन द हिमालयाज नियर मसूरी। मसूरी के सामने एक जो हिल स्टेशन है, हिमालयाज में एक हिल स्टेशन है लंदौर, वहाँ ये रहते हैं। ही हैज़ रिटन ओवर 100 शॉर्ट स्टोरीज। इन्होंने 100 से ज़्यादा लघु कहानियाँ लिखी हैं, एसेज, निबंध लिखे हैं, नॉवेल्स, उपन्यास लिखे हैं, एंड अ ग्रेट मैनी बुक्स फॉर चिल्ड्रन। और बहुत सारे बुक्स बच्चों के लिए भी इन्होंने लिखा है। बॉन्ड वॉज अवार्डेड द पद्मश्री इन 1999 में रस्किन बॉन्ड को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था, एंड पद्म भूषण इन 2014 और 2014 में पद्म भूषण अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। तो अब हम लोग ये चैप्टर शुरू करते हैं जो इनके द्वारा लिखा गया है, रस्किन बॉन्ड के द्वारा। द आइज हैव इट, आँखों के बारे में है। आँखें, क्या हमारे शरीर में सबसे इम्पॉर्टेंट आँखें ही होती हैं? आइज होती है ना, आँखों से हम हर चीज़ देख सकते हैं। देख करके हमें, हम लोग खूबसूरती को, चाहे वो नेचर की खूबसूरती को या फिर इंसानों को या कुछ भी चीज़ के लिए, कहीं भी आने जाने के लिए, हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है हमारी आँखें, ठीक है। तो शायद इस कहानी में उस तरह से ही हम लोग कुछ आँखों के बारे में पढ़ेंगे। और ऐसा भी है कि इसमें हम लोग कुछ सफ़र के बारे में, यानी यात्रा के बारे में, जर्नी। हम लोग जब कहीं भी बहुत दूर, हमें कहीं अपने रिश्तेदारों या फिर दोस्तों के पास हमें अगर मिलने जाना होता है, तो हम किस साधन का इस्तेमाल करते हैं? बस, ट्रेन, एयरप्लेन, राइट। तो उस बस में, ट्रेन में सिर्फ हम ही होते हैं? नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं जा रहे होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि ट्रेन्स में हम लोग सेम कंपार्टमेंट में कई स्ट्रेंजर्स के साथ हम लोग उस कंपार्टमेंट को शेयर करते हैं। स्ट्रेंजर्स यानी अजनबियों के साथ, जिनको हम लोग नहीं पहचानते हैं, उनके साथ हम लोग कंपार्टमेंट शेयर करते हैं। और फिर बात करते करते हम लोगों को उस समय ही ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिलता है कि हम लोग नए नए लोगों से मिल पाते हैं, उनको जान पाते हैं, राइट। और उसके बाद कुछ बहुत सारी ऐसी बातें भी होती हैं जो हमें उनकी अच्छी लगती है और हम उन्हें जीवन भर याद भी रखते हैं। तो यहाँ पर लेखक के साथ, रस्किन बॉन्ड के साथ भी शायद ऐसा ही कोई घटना हुआ होगा कि वो अपना को पैसेंजर के बारे में यहाँ पर एक कहानी लिखे हैं।
तो इस कहानी को शुरू करने के पहले बच्चों, आप सबसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप सभी कोई अपना अपना बुक्स निकाल लें, डालिया इंग्लिश का बुक, और इसमें यूनिट 2A द आइज हैव इट बाय रस्किन बॉन्ड, पेज नंबर 18। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। आई हैड द ट्रेन कंपार्टमेंट टू माई सेल्फ अप टू रोहना, देन अ गर्ल गॉट इन। आई यानी क्या होता है बच्चों? मैं, यानी सबके लिए मैं है क्या? नहीं, यहाँ पर जो कहानी ये सुना रहा है ये उसके लिए है आई, यानी कि नरेटर, जो कहानी सुना रहे होते हैं उनको कहते हैं नरेटर। तो नरेटर ने कहा कि मुझे, जब मैं रोहना जा रहा था उस समय एक ट्रेन कंपार्टमेंट में मैं बैठा, फिर एक लड़की भी उसी कंपार्टमेंट में चढ़ी। द कपल हु सॉ हर ऑफ वॉज प्रोबेबली हर पेरेंट्स एज दे सीम्ड वेरी एनेक्सियस अबाउट हर कम्फर्ट। जो एक कपल यानी कि मम्मी पापा का एक कपल हो गया, दादा दादी कपल हो गए, नाना नानी, भैया भाभी, ओके, तो एक कपल उन उस लड़की को छोड़ने आए थे, वो ज़रूर उसके पेरेंट्स ही होंगे, पेरेंट्स यानी माता पिता ही होंगे, क्योंकि वो दोनों उस लड़की के कंफर्ट को लेकर के, लड़की के आराम को लेकर के बहुत ज़्यादा एनेक्शियस थे, यानी चिंतित थे। द वुमेन गेव द गर्ल डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस एज टू वेयर टू कीप हर थिंग्स। जो उस कपल में जो महिला थी वो उस लड़की को पूरा डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस दे रही थी कि कहाँ अपना सामान रखना है, वेन टू लीन आउट ऑफ द विंडो, कब खिड़की से खिड़की के बाहर झुकना है या बाहर निकालना है हाथ वगैरह, एंड हाउ टू अवॉइड स्पीकिंग टू स्ट्रेंजर्स, और किस तरह से अजनबियों से बात करने को अवॉइड करना है, यानी स्ट्रेंजर्स से बात नहीं करना है। ओके, तो ये जनरल इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो हर पेरेंट्स, आपके भी पेरेंट्स, आप जब कहीं भी अकेले जा रहे होते होंगे तो ये सारा इंस्ट्रक्शंस की स्ट्रेंजर्स से बात नहीं करना है, स्ट्रेंजर्स अगर कुछ खाने के लिए दे दो उसको नहीं खाना है, और खिड़की से बाहर हाथ नहीं निकालना है, अपना पर्स, अपना इम्पोर्टेंट सामान को अच्छे से रखना है। सारा इंस्ट्रक्शंस हमें हमारे पेरेंट्स के द्वारा दिया जाता है ना, आपको भी दिया ही जाता होगा। तो उसी तरह से उस लड़की को भी ये सारा इंस्ट्रक्शंस उसके पेरेंट्स, उसके मम्मी पापा दे रहे थे। क्यों दे रहे थे? क्योंकि उस लड़की के कम्फर्ट को लेकर के, उसके सेफ्टी को लेकर के वो लोग चिंतित थे। देन द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। अब ट्रेन स्टेशन से छूट गई। एज आई वॉज टोटली ब्लाइंड एट दैट टाइम। उस समय नरेटर ये कह रहे हैं कि उस समय मैं बिल्कुल अंधा था। तो यहाँ पर एक बात को ध्यान देंगे कि इन्होंने कहा है एट द टाइम, उस समय, ठीक है, वो नरेटर जो है, राइटर जो है, वो अंधे नहीं थे, लेकिन उस समय वो टोटली ब्लाइंड थे, अंधे थे। माई आईज सेंसिटिव ओनली टू लाइट एंड डार्कनेस। उस समय इनकी आँखें सिर्फ और सिर्फ रोशनी और अंधेरे की ओर ही संवेदनशील थी। आई वॉज अनेबल टू टेल व्हाट द गर्ल लुक्ड लाइक। इस कारण से ही नरेटर, लेखक, ये नहीं कह पा रहे हैं कि वो लड़की दिखती कैसी थी, देखने में कैसी थी। बट आई न्यू शी वोर स्लीपर्स फ्रॉम द वे दे स्लैप्ड अगेंस्ट हर हील्स। लेकिन वो ये जान गए थे कि वो लड़की क्या पहनी हुई है, चप्पल पहनी हुई है, क्योंकि चप्पल, जब हम लोग चप्पल पहन के चलते हैं तो जिस तरह का आवाज़ आता है उस आवाज़ से हमें पता चल जाता है कि चप्पल पहने हुए हैं। तो वो आवाज़ सुन करके ये जान गए थे। I liked the sound of her voice. Narrator को लड़की का voice, उसका आवाज़ अच्छा लगा।
एंड इवन द साउंड ऑफ हर स्लीपर्स, और यहाँ तक कि उसके चप्पल का आवाज़ भी राइटर को पसंद आया। अब ट्रेन स्टेशन से आगे निकल गई थी। ये रहा इनका ट्रेन का कंपार्टमेंट जैसे आप देख रहे हैं, और ये राइटर इस कोने में बैठे थे और ये गर्ल इस साइड बैठी थी। अब इन दोनों में बातें शुरू होती हैं। कैसे हम लोग भी जब भी ट्रेन में या बस में हम लोग सफ़र कर रहे होते हैं, तो उस समय हम लोगों जब हम लोग अपने को पैसेंजर्स से, जो हमारे सहयात्री होते हैं, उनसे हम लोगों को कुछ बात करना होता है, तो क्या बात करते हैं? नाम पूछते हैं? नो। घर कहाँ है पूछते हैं? नहीं। हम लोग पूछते हैं आप कहाँ जा रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पर कौन पहले बात शुरू करता है। अरे ये यहाँ पर नरेटर ने पहले पूछा, आर यू गोइंग ऑल द वे टू देहरा। तो नरेटर ने पहला बात स्टार्ट किया। देन द गर्ल सेड, आई डिडंट नो एनीवन एल्स वाज हियर। मुझे तो पता ही नहीं हो पाया कि कोई और भी यहाँ पर है। ऐसा क्यों हुआ? क्या वो लड़की उसको देख नहीं पाई थी? देख नहीं पाई थी क्योंकि उस समय नरेटर जो है वो अपना ब्लाइंडनेस, वो जो अंधे थे उस समय, वो छुपाना चाह रहे थे, तो सीट के एक कोने में वो जाकर के बैठ गए थे। खुद को वो हाइड करना चाह रहे थे, इस कारण से उस गर्ल को पता नहीं चल पाया था। देन राइटर ने कहा, आई डिडंट सी यू इधर। मैंने भी आपको नहीं देखा था। बट आई हर्ड यू कम इन, लेकिन मैंने सुना, मुझे पता चल गया आप अंदर आई। द गर्ल सेड, आई एम गेटिंग ऑफ एट सहारनपुर, माई आंट इज मीटिंग मी देयर। मैं सहारनपुर में उतर जाऊंगी, मेरी आंटी मुझे वहाँ लेने आएंगी। वेयर आर यू गोइंग? फिर उस लड़की ने नरेटर से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? ही सेड, टू देहरादून एंड देन टू मसूरी। मैं पहले देहरादून जाऊंगा, फिर उसके बाद मैं कहाँ जाऊंगा? मसूरी जाऊंगा मैं। ओके देन, अब ट्रेन का सफर धीरे धीरे बात करते करते आगे बढ़ने लगा। देन द गर्ल सेड, ओह हाउ लकी यू आर, तुम कितने खुशकिस्मत हो। आई विश आई वॉज गोइंग टू मसूरी, काश मैं भी मसूरी जा रही होती। आई लव द हिल्स स्पेशली इन अक्टूबर। अब इसने कहा स्पेशली इन अक्टूबर, अक्टूबर के महीने में मुझे मसूरी का हिल्स, वहाँ की पहाड़ बहुत खूबसूरत लगती है, बहुत अच्छा लगता है। एंड द राइटर सेड, यस दिस इज़ द बेस्ट टाइम। हाँ, अक्टूबर ही सबसे अच्छा टाइम है मसूरी जाने के लिए। बट वाई? द हिल्स आर कवर्ड विथ वाइल्ड डहलियाज एंड द सन इज़ डिलीशियस। यहाँ पर है हील्स जो होते हैं वो वाइल्ड डहलियाज से, जंगली डहलिया के फूल से कवर्ड होते हैं। जस्ट इमेजिन, पूरे पहाड़ में आप सिर्फ फूल ही फूल अगर देख पाएंगे, वो कितना खूबसूरत व्यू होता होगा। एंड द सन इज डिलीशियस, डिलीशियस का अर्थ होता है स्वादिष्ट, ऐसा तो देखा जाए, लेकिन यहाँ इस सेंटेंस में देखिए क्या लिखा है, द सन इज डिलीशियस। तो सन, सूरज, क्या डिलीशियस होगा, स्वादिष्ट होगा, खा के देखे हैं? नहीं ना। तो यहाँ पर सन इज डिलीशियस इसीलिए कहा गया है क्योंकि उसका धूप जो है बहुत ही अच्छा मधुर होता है। दैट्स वाई यहाँ पर कहा गया है द सन इज डिलीशियस। एंड एट नाइट यू कैन सिट इन फ्रंट ऑफ अ लॉग फायर। और फिर नरेटर ने बात आगे कहा कि और रात के समय आप लॉग फायर के सामने बैठ सकते हैं। अब लॉग फायर क्या है? देखिए बच्चों, ये है लॉग फायर। लॉग यानी लकड़ी और ये फायर आग, ठीक है। वहाँ पर ठंड तो पड़ती ही होगी अक्टूबर के महीने में, तो लॉग फायर के चारों ओर लोग बैठ करके लॉग फायर का व्यू, फिर
ओपन स्काई में ऊपर स्टार्स मून को देखने का ये व्यू को एंजॉय करते हैं. देन मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट हैव गोन एंड द रोड्स आर क्वाइट एंड ऑलमोस्ट डेजर्टेड. यस अक्टूबर इज़ द बेस्ट टाइम. अब राइटर ने आगे कहा कि ज़्यादातर जो टूरिस्ट मसूरी घूमने आए हुए होते हैं वो अक्टूबर तक जा चुके होते हैं एंड द रोड्स आर क्वाइट. और रोड्स जो होता है वो सुनसान रहता है, शांत रहता है एंड ऑलमोस्ट डेजर्टेड. और ज़्यादातर बिल्कुल सुनसान रहता है, मतलब कोई वहाँ दिखता ही नहीं है. सो यस अक्टूबर इज़ द बेस्ट टाइम. इसीलिए अक्टूबर ही सबसे अच्छा टाइम होता है कहाँ मसूरी जाने के लिए. तो फिर अब वो लोग आगे बढ़ते गए. सो स्टोरी अभी यहाँ तक ही. इसके आगे हम लोग यहाँ तक की कहानी में वर्ड मीनिंग्स देख लेंगे. फर्स्ट वर्ड है एनेक्सियस. क्या है एनेक्सियस? इट मीन्स चिंतित, चिंता करना, चिंतित होना, है ना. कंफर्ट यानी आराम. लीन, लीन का अर्थ क्या है? झुकना. स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स अजनबी. हमारे लिए स्ट्रेंजर्स कौन होते हैं? अजनबी, जिनको हम पहले कभी देखे नहीं होते हैं, जिनको हम नहीं जानते हैं, वो हमारे लिए अजनबी होते हैं. देन ब्लाइंड, ब्लाइंड यानी अंधा. सेंसिटिव, सेंसिटिव यानी संवेदनशील, संवेदनशील. स्लीपर्स चप्पल. स्टार्टलेड शुरू करना. एक्सक्लामेशन विस्मयादि बोधक. आईसाइट नज़र. एसेंशियल आवश्यक. डिलीशियस मधुर. देखिए यहाँ पर सन के बारे में डिलीशियस कहा गया है, इसीलिए यहाँ पर डिलीशियस का अर्थ आएगा मधुर. लेकिन अगर किसी खाने की चीज़ के बारे में होता कि दैट फूड इज़ डिलीशियस तो वो होता स्वादिष्ट. ओके. डेजर्टेड यानी वीरान, सुनसान. ओके. आप सभी ये वर्ड मीनिंग्स अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. होप आप लोगों को ये वीडियो, ये स्टोरी अब तक का समझ में आ गया होगा. अब नेक्स्ट हम लोग इसके आगे देखेंगे कि अब राइटर और उसके को पैसेंजर्स के बीच में क्या और बातें होती हैं, क्या और इंटरेस्टिंग वैसा राइटर को फील होता है जो वो उसके बारे में अपनी कहानी में लिखे थे. ओके थैंक यू.